अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं असमा आसिक, लाड़काना से रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ बाबर अली खोखर लाड़काना ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर मुतालबात के हक में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से सिविल हस्पताल की मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से चांडका हस्पताल के चारों शुबाजात में 2 घंटे टोकन हड़ताल करके शदीद नारेबाजी की गई। पैरामेडिकल स्टाफ की टोकन हड़ताल के बाइस दूर दराज से आए मरीज परेशान हो गए। खवातीन बच्चों समेत सैकड़ों मरीज हाथों में एक्सरे रिपोर्ट्स और दीगर पर्चियां लिए डॉक्टरों को ढूंढते दिखाई दिए। पैरामेडिकल रहनुमा शाही खान जागीरानी ने कहा कि सैयद नासिर शाह का वादा वफा ना होने पर दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। 2 माह से मुसलसल सैयद नासिर शाह समेत दीगर वुजरा की जबान पर एतबार रखा, मगर अफसोस वादा वफा ना हो सका। उन्होंने कहा कि 3 रोज से जारी टोकन हड़ताल में इंसाफ ना मिला तो सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुक्मरान अब वादों की बजाय अमली काम करके दें, वरना सख्त एहतजाज का सामना करने की तैयारी भी कर ली है।